Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine. So, children, in today's class, we will be doing the revision part of chapter 2. As you all know that it has been completed already. And I hope you all have done your fair notebook work also, which I have asked you to do the answer in one word part in your notebook. Okay? So, now we will revise this chapter for your test, which will be conducted on 31st of July, and your timing for the test is 11 o'clock in the morning. Okay, so you have to do your first chapter and second chapter preparation for your test. Okay, so let's begin with the revision. Children, we have already done the revision of chapter 1. So as we have completed the chapter 2 now, now we will revise this chapter. So chapter 2nd is uses of a computer. In this chapter, children, we have learned that computer is a useful machine and it helps us to do so many things, and these are the things you can do on the computer. So first one is drawing and coloring pictures. Aap computer pe draw aur color kar sakte ho pictures ko. And remember, you have to use the mouse to draw and color pictures on computer. Second activity you can do is playing games. You can play games. Okay, there are many different types of games which you can play on the computer. Okay, and third is storing information. Aap computer mein apni useful or important information store kar sakte ho. सेव कर सकते हो. हम किस लिए स्टोर करते हैं चिल्ड्रन? सो दैट यू कैन यूज इट इन फ्यूचर व्हेन एवर यू नीड. ओके, जब भी आपको जरूरत हो आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, देन यू कैन लुक फॉर दैट इन योर कंप्यूटर. देन फोर्थ पॉइंट, टाइपिंग टेक्स्ट. यू कैन टाइप टेक्स्ट ऑल्सो इन द कंप्यूटर, बट यू हैव टू यूज द कीबोर्ड फॉर टाइपिंग टेक्स्ट. ओके, सो रिमेंबर दिस वर्ड कीबोर्ड. टाइपिंग करने के लिए चिल्ड्रन कंप्यूटर में आपको कीबोर्ड नेसेसरी होता है. ओके, देन फिफ्थ, यूजिंग द इंटरनेट. अब इंटरनेट भी आप चिल्ड्रन देखो, इंटरनेट क्या होता है? जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे वर्क करते हो. ऑनलाइन मीन्स आप ऑनलाइन एक्टिविटीज कर सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो, आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो, एंटरटेनमेंट मूवीज देख सकते हो, गेम्स खेल सकते हो ऑनलाइन. ओके, कार्टून्स देख सकते हो. तो आपकी फेवरेट जो भी एक्टिविटीज है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो यूजिंग द इंटरनेट ऑन कंप्यूटर. ओके, नेक्स्ट इज गेनिंग नॉलेज. कंप्यूटर पे चिल्ड्रन नॉट ओनली इट इज यूज फॉर एंटरटेनमेंट, आप कंप्यूटर पे अपने सब्जेक्ट्स भी लर्न कर सकते हो. ओके, आप लर्निंग भी कर सकते हो एंड इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर गेनिंग नॉलेज. ओके, नेक्स्ट यू कैन सॉल्व द सम्स ऑन कंप्यूटर. आप अपने मैथ्स के सम्स कैलकुलेशंस कर सकते हो कंप्यूटर पे. लिसनिंग टू म्यूजिक, यू कैन लिसन टू द म्यूजिक जो ऑलरेडी स्टोर्ड है कंप्यूटर में. ओके, एंड नेक्स्ट वॉचिंग कार्टून्स एंड मूवीज. आप मूवीज देख सकते हो अपनी फेवरेट जो भी आपको पसंद है. कार्टून्स आपको अगर पसंद है आप वो भी देख सकते हो कंप्यूटर पे. तो आपकी जो भी फेवरेट मोड ऑफ एंटरटेनमेंट है आप वो देख सकते हो कंप्यूटर पे. नेक्स्ट सेंडिंग ईमेल्स. ईमेल्स होते हैं चिल्ड्रन, मैसेजेस होते हैं ईमेल्स, जिनको आप रिसीव और सेंड कर सकते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. जैसे आपको अपने फ्रेंड को कोई मैसेज सेंड करना है और यू वॉन्ट टू रिसीव द मैसेज फ्रॉम योर फ्रेंड, देन यू विल टेक द हेल्प ऑफ ईमेल्स ऑन कंप्यूटर. ओके, एंड ऑल्सो आप चैट भी कर सकते हो अपने फ्रेंड से ऑन द कंप्यूटर. ओके, फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. आपके फ्रेंड कहीं पे भी होंगे पूरे वर्ल्ड में, आप इजिली उनसे चैट भी कर सकते हो. ओके, so these are the activities you can perform on the computer. Now next children, we will read that places where computers are used. अब हम देखेंगे computers का use कौन कौन सी places में होता है. okay,
सो वी विल बिगिन विद होम कंप्यूटर. होम आप अपने घर पे कंप्यूटर यूज कर सकते हो स्टडी करने के लिए, गेम्स खेलने के लिए. ओके, देन इन शॉप्स एंड मॉल्स. शॉप्स एंड मॉल्स में चिल्ड्रन मोस्टली कंप्यूटर बिल पेमेंट्स एंड बिल्स बनाने के लिए यूज होता है. ओके, जो भी आपने परचेजिंग की है उसका बिल बनता है शॉप पे एंड द शॉपकीपर यूजेस द कंप्यूटर फॉर दैट. ओके, नेक्स्ट रेलवे स्टेशन. कंप्यूटर का यूज रेलवे स्टेशन पे होता है चिल्ड्रन फॉर बुकिंग द टिकट्स. ओके, नेक्स्ट इन स्कूल्स. इन स्कूल चिल्ड्रन मोस्टली स्कूल में टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं. ओके, आपकी टीचर आपको सिखाती है कंप्यूटर, आपको लर्न करवाती है उसमें कैसे वर्क करना होता है. सो इन स्कूल्स इट इज वेरी यूजफुल मशीन. ओके, नेक्स्ट इन होटेल्स एंड रिजॉर्ट्स ऑल्सो कंप्यूटर इज यूज टू रिकॉर्ड गेस्ट डिटेल्स. कोई भी गेस्ट अगर आते हैं स्टे के लिए होटल में तो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर्स रिजॉर्ट्स एंड होटल्स में भी यूज होते हैं. ओके, नेक्स्ट इन ऑफिसेस. कंप्यूटर का यूज चिल्ड्रन ऑफिस वर्क के लिए भी यूज होता है. इन बैंक्स ऑल्सो कंप्यूटर्स आर यूज टू डिपॉजिट एंड विदड्रॉ मनी. बैंक में जब आपके पेरेंट्स जाते हैं दे टेक द मनी फ्रॉम बैंक और दे डिपॉजिट द मनी फ्रॉम बैंक, देन इन ऑल दैट प्रोसीजर बैंक में कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, इन रेस्टोरेंट्स टू मेक बिल्स ऑफ फूड आइटम्स. रेस्टोरेंट में जाके अगर आप जब वहाँ पे डिनर करते हैं या जो भी खाना खाते हैं तो उसका बिल बनाने के लिए रेस्टोरेंट्स में यूज होता है कंप्यूटर. एयरपोर्ट्स पे भी यूज होता है फॉर बुकिंग टिकट्स और फ्लाइट की डिटेल्स लेने के लिए. ओके, सो दिस कम्स टू द एंड ऑफ द रिविजन ऑफ आवर चैप्टर 2. नाउ चिल्ड्रन यू हैव टू रिमेम्बर दैट द फिलिंग द ब्लैंक्स पार्ट यू हैव टू डू इट विदाउट द हिंट्स. ओके, सो ट्राई टू फर्स्ट गिव द आंसर विदाउट द हिंट. ओके, you may not get the hint in your test paper. Okay, children? So, next is true and false part. You have to do this also. Then tick the right answer. These will come in MCQs. Then answer in one word. And also revise the my activity part also. Okay, children? So, all in all, you have to do the complete revision of your chapter 2nd and chapter 1st. For your test, which is on 31st of July. Okay, so we will end our class today here only. So all the best for your test, children. Thank you for watching.